दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30S की काफ़ी डिटेल्स आपको पता चल चुकी हैं, बट अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी M40, इस फ़ोन से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये फ़ोन एक्चुअल अपग्रेड नहीं निकला सैमसंग गैलेक्सी M30 का। बैटरी यहाँ पर बहुत कम थी M30 से, एमोलेड डिस्प्ले भी मिसिंग था और यहाँ से हेडफोन जैक भी निकल चुका था। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत बड़ा अपग्रेड था सैमसंग गैलेक्सी M30 का, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता था स्नैपड्रैगन 675। मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा, काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट ये स्मार्टफोन है, लेकिन इसको हम M30 का एक्चुअल अपग्रेड नहीं बोल सकते। अब जो ये M30S आने वाला है, इसको आप बोल सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M30 का रियल अपग्रेड। सैमसंग M30S को लेकर आपके माइंड में 3-4 क्वेश्चंस होंगे कि क्या हमें सैमसंग M30S का वेट करना चाहिए? जो आज की रेट में मिड रेंज सेगमेंट में रेस चल रही है स्मार्टफोन्स की, उस रेस में M30S कितना चल पाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई रियल फ्लैगशिप ढूंढ रहे हैं अनबीटेबल कैमरा के साथ, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो भी आप देख सकते हैं। और मुझे आप कमेंट्स में बताओ, जब आप कोई न्यू स्मार्टफोन लेते हो तो आप ब्रांड वैल्यू देखकर स्मार्टफोन चूज करते हो या फिर स्पेसिफिकेशंस देखकर? कमेंट्स में बताना मुझे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि क्या ये फ़ोन चल पाएगा, तो देखो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, जो स्मार्टफोन्स की रेस चल रही है आजकल, ये दो टाइप की रेस है। एक रेस में है रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स, और दूसरी रेस में है सैमसंग, LG, नोकिया जैसे प्रीमियम ब्रांड्स। अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्रांड्स आपको प्रीमियम स्मार्टफोन्स नहीं देते, बिल्कुल आपको वहाँ पर भी मिलते हैं प्रीमियम स्मार्टफोन्स, बट यहाँ सारी बात आ जाती है घूम फिर के ब्रांड वैल्यू की, और कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है सैमसंग के पास। जो सैमसंग के फैंस हैं वो मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग ही लेना पसंद करते हैं, उनको रियलमी और रेडमी समझ में नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है। आप भी अगर मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए मिड रेंज सेगमेंट में, तो मेरे अकॉर्डिंग M30S एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। एक तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, साथ में फास्ट चार्जिंग, USB-C टाइप पोर्ट और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलेगा। इसके अलावा सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगा वाटर ड्रॉप नोच के साथ। हेडफोन जैक भी वापस आ चुका है सैमसंग M30S में। रियल में आपको मिल जाएंगे ट्रिपल कैमरास और प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 MP का। यहाँ पर उम्मीद है सेंसर यूज़ किया जाएगा सैमसंग का GM2 सेंसर, जो कि शाओमी ने रेडमी नोट 8 में भी यूज़ किया है। तो सैमसंग ब्रांड को देखते हो ये पैकेज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपके माइंड में आएगा परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिलेगी। जो सैमसंग M30 लॉन्च हुआ था उसका सबसे वीक पॉइंट था परफॉर्मेंस, वहाँ पर आपको मिलता था एक्जीनोस का 7904 प्रोसेसर। अब जो ये 7904 था, ये प्रोसेसर नॉर्मल यूज़ के लिए तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये गेमिंग के लिए या फिर हैवी यूज़ के लिए नहीं था। M30S में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक्जीनोस का नया प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर होगा इसको लेकर ऑफिशियली अभी कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल सकता है एक्जीनोस का 9611, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। अभी ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स कह रहे हैं कि यही प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 9611। अब आपके माइंड में आएगा कि ये कैसा प्रोसेसर होगा और हम इसको स्नैपड्रैगन के कौन से प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, इससे पहले हम एक्जीनोस का 9610 सैमसंग A50 में यूज़ कर चुके हैं। मुझे 9610 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा था, यहाँ तक कि आपको यहाँ पर PUBG HDR मोड में भी खेलने का ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं जो 9611 है वो भी कहीं से भी कम नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं ये स्नैपड्रैगन 675 से भी थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। तो परफॉर्मेंस को लेकर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30S में कोई भी शिकायत नहीं होने वाली, वो साथ में आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड पाई 1 UI के साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो 9611 है ये काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होने वाला है, तो जो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन इसका अलग रहेगा M30 के कंपैरिजन में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग टाइप का ग्रेडिएंट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि M30 से काफ़ी अलग है। कॉलिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन साउंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाएगी, यहाँ पर आपको ईयरपीस देखने को मिल जाएगा। अगर हम M40 की बात करते हैं तो यहाँ पर यूज़ की गई थी स्क्रीन साउंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी, बट अब आपको ईयरपीस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब बात आती है कि प्राइसिंग क्या रहेगी M30S की। देखो, मुझे ऐसा लगता है जो भी आपको M30 मिल रहा है उसका प्राइस थोड़ा कम कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर आपको मिल जाएगा 15,000 में M30S, 15-16,000 की रेंज में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 18 सितंबर को लॉन्च है इस फ़ोन का, तब सब क्लियर हो जाएगा क्या आपको मिल रहा है और किस प्राइसिंग पे मिल रहा है।
अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपको ये फ़ोन कैसा लगा और क्या आप M30s का वेट करेंगे, कमेंट्स में बताना मुझे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।